क्यों ऐसा आप क्यों कह रहे हो? मैं बोलता हूँ के साथ जुड़ा था सर, मैं देश को सुधारने के लिए, मैं 2000 से 2000 में जब एक्चुअली मेरे को फाइनली अब रेस्ट्रिकेट कर दिए थे अपने प्रिंसिपल ने, मैं फर्स्ट ईयर में आके आप लोग के समय में एक एमएससी वास्ते नहीं था सर, इंग्लिश पढ़ाता था, वो 400 रुपए लेके पढ़ाता था, पास कराता था, मैं उसके अगेंस्ट में अकेला खड़ा हुआ था, उसको फंसाया था और उसको निकलवाया था। तब से टीचर सब डरते थे मेरे से, और अपने कॉलेज में भी यही था कि नेता उसको बनाओ जो इनके पांच हुए, तो मैं उसके अगेंस्ट में था। तो फिर थर्ड ईयर में मैं सेक्रेटरी जीत गया था, फाइनल ईयर में प्रेसिडेंट जीता, और वो प्रिंसिपल से जिसने शरद यादव को रेस्टिकेट किया था वो प्रिंसिपल था, तो मेरी पंगे हो गई थे उससे, करप्शन का केस था एक बीजा वोट को टीक वोट करके बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा था, तो उसको लेके मैटर उठाया, तो फिर विधानसभा से वो राज इंजीनियर को वापस लिया था हुआ था। अच्छा, मैं तब से मैं कभी अपने पद के लिए नहीं लड़ा सर, मैं इसी के लिए लड़ता था, और उसके बाद बिजनेस में आया मेरे को, और ये हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस इतनी ज्यादा थी उस समय रायपुर में, अननेसेसरी लड़ाई करते थे, तो मैंने ये दो कंपनी जो फॉर्म किया, दो मैं एक क्रिश्चियन फैमिली हूँ, एक हिंदू फैमिली, एक मुस्लिम फैमिली, दो हिंदू फैमिलीज है और एक मुस्लिम फैमिली है, 2000 से लेके आज डेट तक चलाया हूँ उसको। 2013 के बाद फिर इकोनॉमी ही खराब हो गई मेरी, क्योंकि ब्लैक मनी में मार्केटिंग नहीं था, तो फिर बंद किया उसको, बंद कंपनी अभी भी बंद नहीं हुआ उसी को, ये तो मैं उस एंगल का था। अच्छा। तो मैं एक चीज सर आपसे, मैं छोटा हूँ आपसे बहुत, मैं आपके आसपास अक्सर भी नहीं है, बट मैं एक चीज सर नेगेटिव बोलना बंद कर दीजिए सर, तो आपका इतना अच्छा ये है क्योंकि आप भी अब सुधार सकते हो देश में, तो आपकी मीन्स देयर आर मेनी इस चीज को ना बहुत बहुत तोड़ा मरोड़ा गया है सर, उस एंगल में भी कई लोग हैं जो पीड़ित हैं, और हर जात में आदमी अच्छा रहता है, एवरी चाइल्ड इज बॉर्न फ्री ऑफ माइंड, ऊपर जाके जब लालच चालू होता है ना, ग्रीड ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, पावर हंग्री वही खराब कर रहा है। कल आप आर्टिकल के बारे में बोल रहे थे, अभी आपका जो मैसेज था उसमें एक मैसेज मैं सुन रहा था जिसमें एंग्लो इंडियंस को ये दिए, एंग्लो इंडियंस का उसको जितनी स्टडी करेंगे ना सर, एक्चुअली क्या हुआ था जिस समय इंडिया को फ्री किए थे, मोस्ट ऑफ ऑफिसर्स एंग्लो इंडियंस थे, तो सडन शिफ्टिंग वॉज ए प्रॉब्लम एंड वी डिडंट हैव द कल्चर इनफ कि इसको मैनेज कर पाए। नहीं, इसमें जो एंग्लो इंडियन है, इज इट दैट इंग्लिश ऑफिसर जो है लीगली और इलीगली दे हैव एडेड टू सम हिंदू, एंग्लो इंडियन कैसे हुए वो? हाँ हाँ, सी दैट जो भी हुए ब्रिटिशर्स तो सबसे थे सर, उसके बच्चों के बच्चों को ये एजुकेशन अच्छा मिलता था, तो वही लोग एडमिनिस्ट्रेशन में थे, तो मेरा पूरा एक बार सुनिएगा, दीस पीपल वेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन, तो इस पे 10% का कर्व भी रखा हुआ था कि उससे अधिक एम्प्लॉयमेंट ना हो, क्योंकि उस समय 23% ऑफिसर्स वेयर देन, तो 10% कर्व ही कर सकते थे तब तक इंडियंस ट्रेन होते करके, एंड दिस जो क्लॉज किए थे ना सर, उसमें भी एवरी 10 ईयर्स में हर गवर्नमेंट ने आके, ये शेड्यूल कास्ट का जो क्लॉज था ना उसके साथ ही ये मिला हुआ था, ये तो एवरी 10 ईयर्स में इट वॉज अ टेम्पररी, जैसे 370 टेम्पररी था ना वैसे ये भी टेम्पररी था, एंड एवरी 10 ईयर्स में ये हुआ और हर गवर्नमेंट ने किया, मीन्स रविशंकर क्या अपने देशमलानी जी के बीजेपी में उन्होंने भी इसको एक्सटेंड करके बढ़ाया, उसके बाद अभी मोदी जी के गवर्नमेंट में रविशंकर प्रसाद ने भी इसको बढ़ा के 10 साल किया। तो अपन जो बोलते हैं ना, तो इसमें क्या है, जो लीगल सेल वाले लोग हैं सर, दे टेक ए डिफरेंट एटीट्यूड, तो आपकी इमेज भी खराब हुई सर,
तो पूरा सिस्टम फ्लॉप हो जाएगा, चीफ भी फिर खड़ा ही नहीं हो पाएगा। तो आप अपनी इमेज कॉन्शियसनेस नहीं रखते हो, आप एकदम फ्री फ्रैंक क्लियर ओपन डिस्कशन ये सब, बट एक ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं। देखिए ऐसा है, देखिए एक चीज यू टू अंडरस्टैंड, यदि आप डिलीबरेटली कोई इमेज बनाएंगे तो इट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड ए डे, तो यू स्टे प्योर, इट डजंट मैटर आपको कौन किस रूप में देखता है, ये उसकी प्रॉब्लम है, व्हाई वी शुड बदर अबाउट इट। इट्स नॉट अबाउट बॉदरिंग सर। नहीं नहीं, आप मेरी बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे, जो आपकी ओरिजिनलिटी है व्हाई नॉट टू मेंशन दैट। हाँ बट ए कमोशन विल इट हेल्प इंडिया सर? मेरे ख्याल से वो सब चीजें ट्रांजिटरी हैं, मेरे ख्याल से वी शुड स्टे प्योर। हमें शुद्ध जैसा होना चाहिए वैसे ही होना चाहिए, वो तो सही बात है सर। यदि मान लो सामने वाला जो है आपसे कुछ दूसरी चीजें देखना चाहता है आप में, तो उसकी प्रॉब्लम है। एंड यू मस्ट नॉट फेटर हिज इमेजिनरी डिजायर फ्रॉम यू। Yeah, that's true. But the thing that is happening is, आज ये criminals के बल पे 50% and more population उसके नाम पे survive कर रहे हैं। तो नहीं, कोई किसी के नाम survive नहीं कर रहा है, उनके पास कोई option नहीं है, इसलिए इनको support कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं जान रहा हूँ सर, actually मैं जो real estate line में था, कोई भी margin सिर्फ black money में था। व्हाइट मनी का बिजनेस ही नहीं कर सकते थे, सर्विस टैक्स का नहीं। तो व्हाइट मनी का बिजनेस इसलिए नहीं कर पा रहे हो कि नियम कानून वैसे बनाए गए हैं, अंग्रेजों के समय के अंग्रेजों के अधिकारियों ने वही लॉ अभी भी है। अपने लोग ही क्या आईएएस आईपीएस सबसे इंटेलिजेंट स्क्रीन नहीं थी क्या कंट्री की? नहीं, क्यों ठेका लेकर नहीं, आईएएस आईपीएस ने ठेका लेकर रखा हुआ है क्या? कुछ के जो है ना वॉमिट करने से वो बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं क्या? नहीं नहीं, क्या जो है पेपर वही आ गया जो उन्होंने तैयार किया था, तो वो इंटेलिजेंट हो गए क्या? कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, जस्ट मैटर ऑफ कि आपका लक कैसे वर्क कर रहा है। अरे नहीं सर, हाँ इट इज हमने तो एक फिलोसफी निकाली थी, हमने तीन इफेक्ट निकाले थे और हमने ये कहा था कि ये जो सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन इज डिपेंडेंट ऑन दिस थ्री इफेक्ट। अरे लोग आज मुझे गुरु मान के जो भी सिविल सर्विस में रहता था वो मेरे जरूर जो है ना रूम में आता था एक बार मुझसे एडवाइस लेने के लिए, तो और हमने अपनी एडवाइस कभी फॉलो नहीं की, लेकिन लोगों को इससे बहुत फायदा हुआ। नहीं, आप इंटेलिजेंट हो सर, आप लोग बहुत अलग ही एक क्रीम है, एंड दीज पीपल नेवर वॉन्टेड Never curtained. अपन नेताओं को प्रेशर बोलते हैं, बट बेसिक एक्सिक्यूशन वॉज एक्सिक्यूटर बॉडी द ब्यूरोक्रेट, एक्सिक्यूशन ही सही रहता तो चीजें अपने आप ठीक हो जाता। वी मेड एन नंबर ऑफ लॉ कॉलेजेस जैसे ही इंडिपेंडेंस मिला, एंड केप्ट इंजीनियरिंग एंड मेडिकल वेरी कॉन्सेंट्रेटेड। वॉट हैपेंड, द ब्रिलियंट वेंट इन टू इंजीनियरिंग एंड मेडिकल, कुड डू नथिंग इन साइड द कंट्रीज लॉ। लेकिन अब वो करेक्शन हो रहा है, लोग जिनको लॉ अच्छा लग रहा है दे आर गोइंग एज ए फर्स्ट वाइफ। अब ऐसा नहीं है, देर आर मैनी दोज यू आर ऑप्टिंग फॉर लॉ प्रोफेशन एज ए देयर फर्स्ट वाइफ। जैसे बहुत सारे लोग सीए सीएफए वगैरह को, कंपनी सेक्रेटरिएट को दे आर टेकिंग एज देयर फर्स्ट प्रेफरेंस। There are many holes still in the country. अच्छा ये बताओ, how do you feel about the my aggression and whole thing? क्योंकि मुझे लगता है बिना aggression के काम नहीं चलेगा। और दूसरी बात ये है कि हमें मेरे को एक चीज लग रहा है सर, जो उस समय भी मैं आपसे पूछा था, ये चीज इतने सारे से number of people बढ़ेगा करके अपन उम्मीद कर रहे थे, but that has not taken place actually crime you never know ki ye number ko jo hai na manipulate kiya ja raha ho। main aapko ye bata raha hu, koi badi baat nahi hai, ye number deliberately manipulate ho raha ho
क्योंकि इसमें आईबी से लेके हर कोई जो है ना डिस्टर्ब फील कर रहा हो और वो जो है ना यूट्यूब वगैरह से मिलके ये सब धंधे कर रहे हो. यू डोंट नो ये परसेप्शन का चेंज क्या है. नंबर वन. नंबर टू जो है, जिस एग्रेशन से लोगों को लगना चाहिए, देखिए जिस तरीके से अननोन लोग आपसे बात कर रहे हैं, हाँ, वो दैट इज अ रिफ्लेक्शन की रेजोनेंस तो हो रहा है. बहुत अच्छे लोग हैं इस देश में, बहुत अच्छे लोग हैं, बट किसी में औकात नहीं है, कहीं ना कहीं दबा देते हैं और कहीं ना कहीं से उसकी रोजी रोटी पे अटैक कर देता है. तो उसके घर वाले उस पर चढ़ बैठते हैं, तू मत कर, तू मत कर करके, और वहां पर लोग दब जाते हैं. तो कहीं ना कहीं परिवार के अंदर ही सेम थिंकिंग नहीं आती. कोई जरा सा दब जाता है, कोई लालच में चले जाता है, कोई ग्लैमर को फेवर करता है, वो वीक पॉइंट को ये लोग खोज के अटैक कर लेते हैं. तो आपकी सोच उस लेवल पे चल ही नहीं पाती. आपके फैमिली के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं. तो देश में बहुत अच्छे लोग पड़े हुए हैं. 99% लोग अच्छे होते हैं सर. एक सिस्टम से वो खराब होते हैं, एक सिस्टम के अंदर सर्वाइवल के चक्कर में खराब होते हैं. कोई दिल से बुरा कोई भी नहीं होता सर. एवरी और जो सिस्टम है वो खराब बना हुआ है, वो मक्कार बना है, वो बदमाश बना है, वो आपका तेल निकालने के लिए, आपका रस निकालने के लिए बना हुआ है. वही सबको अच्छा लग रहा है, वही सबको अच्छा लग रहा है, वो सबको अच्छा. दूसरी बात यह है कि नहीं, उसमें दूसरा एक इशू भी है कि आप ये देखिए, किसी भी सुधार की बात करते हैं तो इन काले अंग्रेजों की जो ना रूहें कांप जाती हैं. मतलब दे डोंट वांट एनी इम्प्रूवमेंट. मतलब वो गाली दे सकते हैं लेकिन सुधार बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि वो उनका वो उसी से वो लखपति करोड़पति बने हैं, उन्हीं से उनको फायदा हुआ है, उसी से वो पांच पांच छह छह पेंशन ले रहे हैं. मैं बता रहा हूँ सर, लीगली लेजिस्लेटिव बैठ के कोई भी, अभी जब सीतारमन आने के बाद एग्रीकल्चर का इसको एडवाइजरी को इनकम टैक्स में 150% कर दिए थे, यानी आप जितना खर्चा कर रहे हो उससे 50% की प्रॉफिट आएगी. ये पैसा गैस के पास है, जो घर में बैठ के एनजीओ बना के ये दिखाए कि ये आदमी ने ये किया है. अल्टीमेटली द मनी ऑफ द कंट्री इज गोइंग. कोई कितना भी कानून चेंज कर दे, अनलेस द एक्सिक्यूटिव बॉडी डस नॉट बिकम स्ट्रिक्ट ऑन एक्सिक्यूशन. एंड उसी के लिए मोदी ने डिजिटलाइजेशन लेके आया. देखो साइमन, हम उल्टा कह रहे हैं. हम ये कह रहे हैं इको सिस्टम के पार्टनर बन जाइए, इको सिस्टम को 5 गुना मल्टीप्लाई कर दीजिए. चाणक्य ने क्या कहा था, जब जो है चित्रगुप्त ने जो है चंद्रगुप्त टू इंक्रीज टैक्स, उन्होंने कहा कि 5% पे टैक्स आपका ऑपरेट कर रहा है, इट मस्ट नॉट बी मोर देन दैट, राइट. यदि आप टैक्स बढ़ाना चाहते हैं तो बिजनेस बढ़ाइए, राइट. तो टैक्सेशन को टैक्स ना कह के अपन कलेक्शन कहें. तो कलेक्शन को इंक्रीज करने के लिए टैक्सेशन बढ़ाना इज नॉट ए गुड स्ट्रेटेजी. इंक्रीज द वॉल्यूम. अच्छा, नंबर वन. नंबर टू, आप जब बहुत सोने की चिड़िया थे, वो सोने की चिड़िया आप किस आधार पर थे? आपने मलबल बनाया, राइट. आपने जो है ना लोहा और आपने इसेंशियली आपने मसाले और ये सब चीजें सोने के भाव में बेची. जलवायु वही है, मिट्टी को सुधारा जा सकता है, फिर से सोना जैसा जो है ना सब चीजें पैदा की जा सकती हैं और उसे फिर सोने के भाव में बेचा जाए. यहीं पे जो है ना देश का वैभव जुड़ा हुआ है. तो ये दुष्ट काले अंग्रेज तो कभी ये नहीं करेंगे. वो तो लड़ना चाहे उनका सर, आप मोटा मोटी देखिएगा, अब वर्ल्ड पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 60% इज इन एशिया, है ना, टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का. दे वांट एंड द मेजर आर्म्स से जो जिनकी इकोनॉमी चलती है, दैट इज फ्रांस, जर्मनी एंड अमेरिका. एंड ब्रिटेन लॉर्ड्स आर द फाइनेंसर्स ऑफ ऑल दीज थ्री कंट्रीज. वो लॉर्ड्स आज भी फाइनेंस करते हैं. एंड दे वांट प्रमोशन इन एशिया कि दूर बैठ के वहां से आर्म्स दोनों खरीदते हैं. हम अपन भी खरीदते हैं, पाकिस्तान भी खरीदता है, चाइना भी खरीदता है. नाउ चाइना खुद का बनाना चालू कर दिया, करेक्ट, और वही इंडिया को करना चाहिए. हाँ, वही इंडिया को करना चाहिए. ही इज ट्राइंग फॉर इट, बट लोग अब वो इंडिया में इसलिए नहीं करते हैं कि कमीशन कैसे मिलेगा.
नहीं, मोदी कमीशन के लिए कोई काम नहीं किया सर, मैं मोदी को बहुत एटलीस्ट वो इतने देखो, वी आर नॉट पोकिंग नोज इन मेकिंग अ पर्सनल ऑब्जर्वेशन अबाउट एनी पर्सनालिटी. हम बड़ी सिंपल सी बात कह रहे हैं कि ये सिस्टम जो है इट इज ए कमीशन ड्रिवन सिस्टम. कमीशन को कमीशन ना कह के हम यदि रेंट सीकिंग बिहेवियर कहें, राइट, तो हर कोई रेंट सीकिंग बिहेवियर से ड्रिवन कर रहा है और पूरा गवर्नमेंट और सभी डिपार्टमेंट वो उन सब एक्टिविटीज को ही प्रमोट करते हैं जिनको रोकने के लिए वो विभाग बने बना हुआ है. तो इट मीन्स फॉर देम रेंट सीकिंग बिहेवियर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द डिपार्टमेंट इटसेल्फ. और रेंट सीकिंग बिहेवियर को प्रोटेक्ट किया जाता है क्योंकि हमाम में साले सभी नंगे हैं. ठीक है ना. सो समबडी हैज टू कम आउट एंड से कि ये चीज तो मुझे कल करो आप. जैसे फॉर एग्जाम्पल, नहीं है तो कुछ चीजें बड़ी नोशनल इमोशनल और सिम्बॉलिक होती हैं. तो जैसे राष्ट्रगान आपका जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो गाया है जॉर्ज पंचम के, उसमें उसको हटाने में अपन को कितनी देर लगेगी. एक रिजोल्यूशन की जो है दास्ता के प्रतीक जनगण मनोहर को हम हटाते हैं और जो आजाद हिंद का जो जनगण मनहर है, जो भारत माता का स्तुति गान है, उसे अडॉप्ट करते हैं. एक लाइन का जो है ना रेजोल्यूशन चाहिए, उसमें कोई बहुत बड़ा वो चाहिए क्या. अच्छा, नंबर वन. नंबर टू जो है, वेस्टेड इंटरेस्ट को रोकने के लिए हमें कहीं ना कहीं इलेक्शन प्रक्रिया को पहले इनडायरेक्टली और बाद में डायरेक्टली प्रभावित करना चाहिए. ठीक है ना. तो सबसे पहली बात है कि हाँ, लॉ मेकर नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है आपको जो है ना रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में कुछ माइनर अमेंडमेंट करना कॉन्स्टिट्यूशनल के लिए था. आपको जो केवल यही कहना है कि हु विल बी एलिजिबल, हु विल नॉट बी एलिजिबल, एज सिंपल एज दैट. सो एनी लॉ मेकर हु इज हैविंग द क्रिमिनल रिकॉर्ड विल नॉट बी एलिजिबल टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन. पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में अमेंडमेंट करना पड़ा कि जो मैट्रिशियन. देखिए, मेरा ये कहना है कि हम इतने घटिया लोग हैं कि मिसयूज के नाम पे एक इंच सुधार नहीं करना चाहते हैं. आप जस्ट अलाउ मी टू स्पीक. देखो, जस्ट आई एम सेइंग कि जैसे हमने कहा राइट टू प्राइवेसी, तो प्राइवेसी को आप गारंटी करो ना. प्राइवेसी से डरो मत भाई. अल्टीमेटली डाटा किसी के हाथ में जा रहा है, साला उसके ऊपर तलवार लटकाओ ना कि साले तेरे को लटका देंगे उल्टा यदि तूने इसका मिस यूज किया. जी जी. अब वो अप्रोच अपन को लाना पड़ेगा. अब आपको जो ना, अब जाने नाउ यू वर्क ऑन संभावना कि आपके विरुद्ध जो है ना फर्जी मुकदमा कायम हो सकता है, राइट. तो फर्जी अपन उसमें कहें नंबर वन कि उसका चालान प्रेस होना चाहिए और कोर्ट में कॉग्निजेंस होना चाहिए. इसका मतलब इट हैज बीन सब्सटेंटिएटेड, राइट. एक वन डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन अपन ने दे दिया, राइट. अब सेकंड डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन अपन दें. सेकंड डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है कि एनीथिंग विच इज कनेक्टेड टू द लॉ एंड ऑर्डर एंड पब्लिक प्रोटेस्ट दैट विल नॉट बी डिस्क्वालिफिकेशन. अरे जो प्योर रेपिस्ट है, प्योर मर्डरर है, प्योर किडनैपर है, कम से कम उन्हें तो बाहर कर दो. अच्छा, दूसरी बात है कि इनमें क्या सोने लगे हुए हैं. यदि कोई भाई कोई व्यक्ति जो है आप ये कह रहे हैं चुनाव ना लड़ो, तो भैया तुम वेट करो जब तक तुम एक्विटल आपका हो जाए. बाहर गिर रहा है क्या कि आपके बिना ये देश जो है ना वो अनाथ हो जाएगा, यतीम हो जाएगा. आप ऐसा क्या कर रहे हो कि ये देश यतीम हो जाएगा आपके लिए. आप योग्य हो सकते हैं, आप चुनाव में जीत भी सकते हैं. यदि किसी कारण से यदि आप बाहर भी रह गए तो कौन सी बात है. अरे आप बाहर बैठ के तपस्या करो ना, कंट्रीब्यूट फ्रॉम आउटसाइड. अब जैसे सेकंड हमने जो कहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है कि नोटा, राइट. नोटा को कैंडिडेट, नोटा को कैंडिडेट मान के यदि नोटा जीतेगा तो जितने लोग उसमें कॉन्टेस्ट में होंगे वो सब 15 साल के लिए दीवार कर दिए जाए और वो परमानेंट नहीं होगा, केवल 15 साल के लिए होगा. 15 साल तपस्या करो, अपने आप को फिर से रीस्टैब्लिश करो. ठीक है ना. तीसरी बात है कि जिसकी जमानत जब्त हो उसे 10 साल की तपस्या करना चाहिए, मतलब उसको ही शुड बी डिबार्ड फॉर नेक्स्ट 10 ईयर.
क्यों? इसका मतलब है तुम प्रीमैच्योर, बिना पब्लिक में अपनी बैट बनाए, अपनी जगह बनाए तुम खड़े हुए हो, तभी तुम्हारी जमानत जब्त हुई है, तो तुमको 10 साल के लिए डिबार होना चाहिए। ठीक है ना? आप जो है ना नैत, जिन पार्टियों ने कैंडिडेट ही जो है ना कभी खड़े नहीं किए, वो किसी अन्य लाभ के, उसको भी रिसर्च करने की जरूरत है कि इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी विदाउट कॉन्टेस्टिंग क्यों पैदा हुई है, इस बारे में रिसर्च होने की जरूरत है टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स। देयर शुड बी सम बेनिफिट, किसी ना किसी बेनिफिट के लिए तो पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट की गई होंगी जो नेवर कॉन्टेस्टेड एनी इलेक्शन, राइट? अच्छा, पार्टी का मतलब क्या है? जिसमें बहुत सारे लोग हों। तो यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी का एक कैंडिडेट भी नहीं जीत पाता है तो भाई शुड हैव द रिकॉग्निशन ऑफ एज ए पॉलिटिकल पार्टी। वो तो नहीं, देखो मेरा कहना है कि यदि आपने, इसका मतलब यदि आप एक कैंडिडेट को भी नहीं जिता पा रहे हैं, इसका मतलब है आपने पब्लिक डोमेन में बिल्कुल भी तपस्या नहीं की है। तो भाई साहब पहले तपस्या करो ना सर। बट इलेक्शन सिस्टम जो, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, अभी 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 छोड़ दिया जाए, अभी तो अपन उन पेरिफेरी को घेरे जिससे नॉन सीरियस कैंडिडेट खड़े होकर मक्कारी करने वाले सिर्फ इलेक्शन को इनडायरेक्टली प्रभावित करने के लिए जो लोग खड़े होते हैं कि उन्होंने कहा कि यादवों का वेट है तो एक यादव को एक्स्ट्रा खड़ा कर दो, कुछ यादव के वोट कट जाएंगे। जो इस तरीके के सेम नाम से अजीत जोगी ने ये स्टार्ट किया था छत्तीसगढ़ में, आपका नाम सेम होगा तो उस नाम का आदमी को खोज के उसको भी टिकट दे सकते हैं, तो मेरा कहना वही है कि ये सब जो है पॉलिटिकल मैनिपुलेशन और ड्रामा हुए। और मेरा ये कहना है कि पॉलिटिक्स अपने आप में एक तपस्या मानी जाना चाहिए, राइट? तो यदि आपने पॉलिटिकल डोमेन में वो तपस्या नहीं की है कि यदि आपका एक कैंडिडेट भी नहीं जीत पा रहा है तो आपको 10 साल के लिए डीरिकॉग्नाइज करके 10 साल की तपस्या के लिए आपको भेज रहे हैं। हम आपको कोई गाली नहीं दे रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि तेरी तपस्या में कुछ कमी है, अब 10 साल तपस्या कर, फिर दोबारा जाना तेरे को जो है ना यू कैन यू विल बी इन पोजिशन टू जो है ना अपने सुखड़ा कर सकता है, तब तक तुम्हारी पार्टी को हम डोरमेंट डिक्लेयर कर देंगे। देखो एग्रेसिव पोस्टर पे जाना पड़ेगा। आप कैंसर में से पीड़ित हैं तो आपको अपने बदन का कुछ हिस्सा काटना पड़ेगा यदि आप जिंदा रहना चाहते हैं तो है। हंसना और गाल फुलाना दोनों नहीं होंगे और इसमें किसको ना कोई जो ना पैसे लगना है ना कुछ लगना है, एक छोटा सा जो ना 2 मिनट में नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो यदि आप जो है इस देश के लिए कुछ हिस्सा काटना चाहते हैं तो बड़े बड़े काम बाद में कर लेना, ये तो एक दिन में हो सकते हैं। बट सर 272 लोगों का सपोर्ट चाहिए उस कुर्सी पे बैठना है तो सबसे बड़ा दिक्कत। अरे यार उसको छोड़ो, अभी तो छोड़ो, जो बैठेगा वो बैठेगा। अभी तो ये है कि जो ऑलरेडी बैठा है क्या हम उसको फोर्स कर सकते हैं कि वो जन भावना के अनुरूप काम करे, नंबर वन। दूसरी बात है एक संकल्प लिया जाए कि हम कोई पब्लिक प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि यदि आप पब्लिक प्रोटेस्ट करते हैं इसका मतलब है कि आपको अपने आप को मरने गिरने के लिए एनर्जी लगाने के लिए अपने बिजनेस को छोड़ने के लिए आप फालतू में जो है ना वो कर रहे हैं और ये लोग और मोटी खाल के हो जा रहे हैं। मतलब जब उन्हें लगता है कि आपको थका के यदि काम बन जाएगा तो वो आपको थकाने के लिए 1-1 साल 1.5 साल आपको झिलाएंगे और जब कुछ लगा कि नहीं हो पा रहा है तो फिर थोड़ा सा वापस हो जाएंगे। तो हमें जो है ऐसा करने की बजाय उनको उल्टा क्यों मजबूर नहीं करना चाहिए कि उनके लिए इंटेलिजेंस दिन इस बात के लिए लगी रहे कि पब्लिक की पल्स कहाँ जा रही है और पब्लिक की पल्स को महसूस कराने के लिए बड़े सिंपल से ही तरीके हैं कि जो ना ये हमारी प्रायोरिटी है अभी नंबर वन की, जब ये प्रायोरिटी पूरी कर लोगे तो हम प्रायोरिटी नंबर टू भी देंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो है ना खत्म हो जाएगा मामला। ठीक है ना? तो अभी आप ये प्रायोरिटी जो है ना 7 दिन में 1 महीने में पूरी कर दो, फिर हम We will come out with the second list of the priority. और यदि आप जो है ना जन भावना के अनुरूप वो काम नहीं करेंगे तो हम जो है आपके कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, आपको किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाएंगे, हम जो है ना ये लालच छोड़ेंगे कि साहब जो है ना बसों में फ्री बैठ के जाना पड़ता है, मिल जाता है, खाने पीने की व्यवस्था होती है और 500 रुपये और मिल जाते हैं। ये इस लालच लोभ से, यदि आप इस लालच लोभ को भी नहीं छोड़ पा रहे हैं
तो फिर तो पांच जूते खाना आपको लाजमी है, है? नहीं फिर तो पांच जूते भी खाने की जरूरत है, और जूते लगाने वालों की संख्या भी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा समय इतना अच्छा है ही नहीं कि वो बचाया जाए। तो आपको जूते लगवाने के लिए भी पांच घंटे वेट करना चाहिए, हा? क्या सोचते हो? अल्टीमेटली इन डेमोक्रेसी कोई चेंजेस के लिए वी नीड पब्लिक सपोर्ट, तो वो पब्लिक सपोर्ट पैदा किया जाए ना, वो वाइब्रेशन पैदा किया जाए। वो वाइब्रेशन हम सब में है, हमको जगह नहीं मिल रही है, उसको कोई बता नहीं रहा है कैसे करें। लोग अच्छा ही चाहते हैं, 99% ऑफ लोग अच्छा ही चाहते हैं, बट अच्छाई चाहने से अच्छे नहीं आता। अभी क्या होता है कि आप अच्छाई चाहते हैं, आपसे कहा जाता है आप पब्लिक में आओ, आपसे कहा जाता है प्रोटेस्ट करो, आपसे कहा जाता है कि आप रोड रोको, आपसे कहा जाता है कि आप रोड रोको, राइट? आपसे कहा जाता है कि आपके खिलाफ जो है ना गोली चले तो उसमें मर जाओ। आपसे कहा जाता है कि जो कुछ है वो मतलब जितने कष्ट है वो तुम्हारे हैं और मलाई हमारी है। अब यदि हम इसको अब हम इसी को उल्टा कर दें, जैसे जो हम कह रहे हैं इसमें आपका कोई कष्ट ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि लोग बांगुओं को ने जो दूध से जले हैं वो छाछ को भी आसानी से पिएंगे नहीं, तो आपको वो पेशेंस रखना ही पड़ेगी। देखो मैं बस और छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। अब एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, जय मैं एसपी गुना, तो एक पत्रकार ने बहुत छुपता हुआ क्वेश्चन मुझसे पूछा। उसने कहा सर मेरा इतने वर्षों का एक्सपीरियंस है, जब भी कोई नया एसपी आता है उसकी बहुत उठापटक होता करता है वो, और फिर कुछ दिनों बाद वो शांत हो जाता है। तो सर आप कब शांत हो रहे? मतलब कितना चुभता हुआ क्वेश्चन है। तो मैंने उससे कहा मिस्टर मंथन, तुम जो है ये निष्कर्ष पे बहुत अनुभव के बाद पहुंचे होगे, एक्सपीरियंस के बाद पहुंचे हो, तो आप अपने एक्सपीरियंस को अपनी किसी की बात से किसी के जवाब से क्यों जो है ना बदलना चाहते हो? यू बिट फॉर योर नॉन एक्सपीरियंस, ठीक है ना। फिर मैं लगभग 3 साल गुना का एसपी रहा, जब मेरा ट्रांसफर हो गया तो उसी मंथन ने फिर से पूछा मुझसे कि सर आपको शायद याद नहीं होगा मैंने आपसे पूछा था और आपने ये जवाब दिया था। अब जो है आपका ट्रांसफर हो गया है, आपके जाने के बाद क्या होगा? आपके समय में बिल्कुल जैसा आपका रहा उसी रिदम से आप काम करते रहे, अब आपके ट्रांसफर के बाद क्या होगा? तो हमने उनसे यही कहा मिस्टर मंथन क्या तुम हमेशा गलत क्वेश्चन पूछने के लिए आते हो? अरे भाई मैं जा रहा हूँ, मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है, आप सरकार से पूछ रहे, अगले एसपी से पूछ रहे। नहीं, डू यू अग्री विद मी? या आई अग्री सर, आपने बहुत क्वालिटीज है, बहुत विट है, बट सम पब्लिक कलेक्शन में देखो आप महाराज जी को क्योंकि आपको दिख रहे हैं पर्सनली है, आपको खराब लगेगा, बट क्योंकि आप लाइफ लॉन्ग पुलिस लाइन में रहे तो यू सी मोर प्रिविलेज दैन गुड पीपल। तो आपकी एक कि हर आदमी क्रिमिनल है सर, बट इन माई लाइफ आई हैव सीन 99% ऑफ पीपल इवन दो डूइंग बैड आर गुड पीपल बाय हार्ट। देखिए मैं आपसे 200% सहमत हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि why we should not devise things in such a way, doing crime should not be an option. तो आप अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे बुरे रहोगे तो 2 मिनट में आप पकड़ में आओगे। नहीं, ऐसा सिस्टम डिवाइस करने में किसी के पेट में दर्द क्यों होना चाहिए? हाँ नहीं होना चाहिए, बट सबका दर्द यही है क्योंकि मोदी खुद चाहे तो नहीं कर सकता सर, मैं राजनीति जान रहा हूँ। नहीं, ये मैं आपको ये बताऊँ, सब चाह सकता है, उसे वो माहौल पैदा करना पड़ेगा। नहीं पैदा होने नहीं देंगे सर। अरे सब होगा, अरे जो है आपको क्या लगता है आपको स्वतंत्रता जो है ना नेहरू और गांधी ने दिलाई? अरे अंग्रेज इतने डरे हुए थे कि हम एक किताब पढ़ रहे थे कि जो लेटर जो है उस समय के चीफ इन आर्मी चीफ कमांडर ऑफ आर्मी ऑफ इंडियन फोर्सेस मिस्टर क्लॉड हॉजकिन, राइट? मैं उसके जितने भी उसने अपने लाइफ टाइम में लेटर लिखे हैं उसका मैं पढ़ रहा था, राइट? उसके लेटर से लग रहा है कि
ब्रिटिश एम्पायर कितना डरा हुआ है, उसके लेटर्स के कारण ही जो है आपके जो लाल किले में जो ट्रायल हो रहा था आजाद हिंद फौज का, जिसको आईएनए का ट्रायल कहते हैं, वो जो है उस डर के कारण, क्योंकि कहा गया कि यदि तुम इन्हें फांसी पे चढ़ाओगे तो रिवोल्ट हो जाएगा, बिकॉज आर्म फोर्सेस ना ये नहीं करेंगे कांग्रेस वांग्रेस, क्योंकि पब्लिक और आर्म फोर्सेस एकदम उबल रही है, राइट, और ये कोई गलती मत करना। ये लोग इतने डर गए कि उसको ट्रायल पोस्टपोन कर दिया इन्होंने, दे वर ऑल एग्जोनरेटेड, चार्जेज वेर विड्रॉन। तो इससे लेसन क्या मिल रहा है कि पब्लिक में वो उफान पैदा करो, और वो उफान जो है ना बिना रोड पे आए पैदा करो, वो उसके दिमाग में उसकी बात में। इसलिए मुझे तो लगता है कि जो क्राइम फ्री भारत है इसको सपोर्ट रैली करने के लिए वी मस्ट फोर्स एवरीबडी मस्ट जो है सब्सक्राइब इट। आपके पर्सनल जेब से पैसे तो जा नहीं रहे हैं, तो फोनोग्राफिक से लेकर फालतू की चीजों को आप सब्सक्राइब करते हैं, व्हाई नॉट क्राइम फ्री भारत, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया विल सब्सक्राइब क्राइम फ्री भारत, हाइपोथेटिकली अपन मानते हैं, क्योंकि किसी के पैसे पैसे नहीं जा रहे हैं, किसी से कुछ करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, बट कोई कर नहीं रहा है ना सर। नहीं प्रॉब्लम, देखिए कोई नहीं करेगा ना, देखिए लोगों के अपने इंटरेस्ट हैं, अपने अनुभव हैं, धीरे धीरे यदि चारों तरफ से प्रयास होगा तो वो बदल जाएंगे अनुभव। आप इतने इम्पेशेंट कैसे हो सकते हो? अरे सर, अरे भाई बच्चा पैदा होता है तो उसे भी 9 महीने लगते हैं ना। आपने जो है चुटकी बजाई और परिवर्तन आ जाएगा, ऐसा क्यों चाह रहे हैं आप? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी का 55-56 साल में मेरे को आप जैसा आदमी दूसरा दिखा नहीं, और जब दूसरा दिखा नहीं तो मेरे को नहीं मिस्टर साइमन आपकी ये गलती है। देखिए मैं आपको दूसरे ढंग से समझाता हूँ इसी बात को। मेरा ये कहना है कि जो भी समाज में परिवर्तन होते हैं वो पहले से ही कॉस्मिक डिजायर के तहत चलते हैं, राइट, क्लियर। चाहे युग हो, जो परिवर्तन हो, वो जो कुछ भी हुआ है, दैट इज द लार्जर डिजाइन ऑफ नेचर, राइट। अब जो है यदि भारत को विश्वगुरु बनना है, और यदि ये नेचर की प्लानिंग है, एक मिनट उसको जैसे देखो, यदि ये नेचर की प्लानिंग है तो उसमें ढेर सारे मैथिली सन गुप्त हर क्षेत्र में पैदा किए होंगे। कोई एग्रीकल्चर में काम कर रहा होगा, कोई मेडिसिन में काम कर रहा होगा, कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा होगा, कोई कहीं काम कर रहा होगा, कोई कहीं काम कर रहा होगा। उन सब मैथिली सन गुप्त को इकट्ठा करने की जरूरत है बस, और उन सबके पास 30-35-40-40 साल का अनुभव भी होगा। और जैसे जैसे मान लो आपने ये मान लो ये जो अपना भी ऑडियो बात कर रहे हैं, ये ऑडियो भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस ऑडियो को किसी ने सुना, ठीक है ना, तो उसके दिमाग में बात आ सकती है ना कि ये बात सही है यार, वो हम तो छोड़ दिए, हम तो नालायक हैं, लेकिन बगल वाला जो है ना इसी लाइन पे काम कर रहा है, उसको मैथिली चरण गुप्त से जोड़ा जाए। नाउ दिस काइंड ऑफ द इनविजिबल वाइब्रेशन विल बी हैपनिंग। जब आप गलत चीजों में ये वाइब्रेशन क्रिएट कर सकते हैं तो अच्छे देश के डायनामिक चीजों के लिए वे वाइब्रेशन क्यों पैदा नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल होंगे, 200% होंगे। और मैं आपको ये बता दूं, अभी लोगों की जो रिएक्शन है बिकॉज ऑफ देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस, क्योंकि केजरीवाल जैसे दुष्ट लोग पैदा हुए जिन्होंने ड्रामा नाटक किया कि लोकपाल आ जाएगा तो देश भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। मैं पर्सनली केजरीवाल को जिस समय ये सेकंड कांग्रेस गवर्नमेंट को छोड़ के मैं बाकी सबको मजबूर ही मानू हमेशा। मनमोहन का जो सेकंड गवर्नमेंट था जिसमें कांग्रेस का किसी का कुछ चलता भी नहीं था, किसी की कुछ नहीं होती थी, और दो जन बैठ के पैसा कमा रहे थे और बाकी सब सत्ती थे, उसको छोड़ के बाकी सब गवर्नमेंट ने अपने अपने गवर्नमेंट हेड्स जो होते हैं ना सर, वो अपने अपने तरीके से प्रयास करते हैं। प्रॉब्लम इसका मतलब है कि हमारा सोच और डेस्टिनेशन तय नहीं है, तो हम एडॉक में जो हमें समझ में आता है वो हम करते रहते हैं।
यदि हम दिल्ली जाना चाहते हैं और मुंबई की ट्रेन में बैठेंगे तो आपको जो है दिल्ली जाने के लिए उतनी यात्रा रिवर्स में करना पड़ेगी। जी जी वो बात सही है। इसका मतलब है यू नीड द विजनरी, यू नीड ए पर्सन हु शुड बी नोइंग पाथवेज, ही शुड बी हैविंग दैट वेज आउट टू डिजाइन टेक्नोलॉजी। देखो ये बताओ, आप जिस मोबाइल फोन से मुझसे बात कर रहे हैं उसकी टेक्नोलॉजी आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम है। हाँ। नहीं नहीं लार्जली थोड़ा बहुत कुछ आइडिया होगा उसे उन्हें। यू डोंट नो दैट नट बोल्ट क्या, कौन सी चिप कैसी बनी हुई है, कैसे अंदर कैसे काम कर रही है, हाउ द वाईफाई इज ऑपरेटिंग, हाउ एवरीथिंग इज ऑपरेटिंग है, हाउ जो है ना एवरीथिंग इज प्लेइंग इट्स रोल। यू एग्री विद मी? हाँ या ठीक है ना। तो इसको कहते हैं डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। ऐसे ही अब हमको डिसरप्टिव विजन में जाना पड़ेगा। इसलिए हमने अपनी फिलॉसफी को कहा है विराट स्वरूप। आप समझ नहीं रहे हो जो मैं एग्रो मॉडल की बात कर रहा हूं। हम तीन साल में हम 3 trillion इकोनॉमी से 15 trillion इकोनॉमी पे टच करेंगे, एकदम 15 पे। और कब हम 100 trillion पे हिट कर जाएंगे, वो सब का 10 साल के पहले हम 100 trillion इकोनॉमी को कर जाएंगे। Each member of the country will be wealthy person. हाँ, यदि वो doable है और मैथिलीनाथ गुप्त कह रहे हैं कि आपको कोई कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है, सब कष्ट मैथिलीनाथ गुप्त के हैं, वो टेक्नोलॉजी भी डिवाइस करेंगे, वर्कर को जो है ना स्किल डेवलपमेंट भी देंगे, वो मशीन और इक्विपमेंट को डिजाइन करेंगे जिससे कि आपकी वर्टिकल हार्वेस्टिंग होगी, आपके पानी को वापस जो है ना 8 फीट पे ले आएंगे, आपके जो है इतने प्लांटेशन होंगे कि जो आपका ग्लेशियर का पानी पिघल गया, बर्फ पिघल गई है वो मालूम पड़ा कि दोबारा जम गई, और आप तो अभी डरे हुए हैं कि आपके 12 शहर डूब जाएंगे और मालूम पड़ा कि आपके 2-4 शहर अंदर से द्वारका निकल के आ गई। ये संभव है, ठीक है ना। तो अच्छा दूसरी बात है कि यदि हमने मिडकोर्स करेक्शन नहीं किया तो हर 3 में से 2 व्यक्ति जो है ना कैंसर से सफर करेंगे, 1 व्यक्ति उसको अटेंड करेगा, तब आपके हालात क्या होंगे? यू डोंट हैव द टाइम, यू हैव टू गो फॉर द सीएफबी आयुष मॉडल, और वो सरकार के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वो कह रहा है वी विल हैव द ज्वाइंट वेंचर विद ईच वन, विद द फार्मा, विद द नर्सरी वाला, विद द काउ ब्रीडिंग सेंटर, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाला, उसकी फ्लोरिंग करने वाला, उसकी नाली बनाने वाला, उस पर जो मंत्र चलेंगे उनका ध्वनि यंत्र बनाने वाला। मतलब ये कोई नए व्यक्ति नहीं होंगे, जो एग्जिस्टिंग मार्केट में है उन्हीं से बातचीत करके दे विल बी मेड ज्वाइंट वेंचर्स। इसमें जो है क्वालिटी कंट्रोल यूनिट रहेगा, क्वालिटी कंट्रोल यूनिट के भी 2 पार्ट रहेंगे। एक पार्ट रहेगा जिसमें जो फिजिकल एट्रीब्यूट जो यू कैन कैप्चर करो IoT डिवाइसेस, एंड सेकंड रहेगा टेस्ट पार्ट ऑफ इट, राइट। उसके लिए टेस्ट करने वाले होंगे, उनका जो है ना टेस्ट करके अपने उनके टेस्ट वर्ड को जो है ना यूज करते हुए दे विल डू द क्वालिटी ग्रेडेशन। और ये चीजें फिर जो है दे विल बी पैकेजिंग। पहली बार सीएफबी की सोच है कि हम फार्मर्स, फार्म की आइडेंटिटी, क्वालिटी, पब्लिक रिव्यूज को इंटीग्रेट करके QR कोड जो है ना हर बैग में लगा होगा, तो यू कैन परचेज ए स्पेसिफिक बैग। ये जो बीच में मिलावट हो रही है, बदमाशी हो रही है, घोड़े की लीद मिलाई जा रही है, गधे की लीद मिला रही है, ऐसे सब काम नहीं हो पाएंगे। तो आपका फिर जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आपका विच विल बी जो है आप ट्रांसपोर्टर की सभी प्रॉब्लम को खत्म कर दे रहे हैं। अभी वो बेचारा जो है ना किससे पैसा लेना है नहीं लेना है, कहाँ मेला माल, इसी में उसकी एनर्जी खर्च हो जा रही है। नाउ दिस विल बी डन बाय द बैकएंड इंजन ऑफ द CFB प्रो टेक्नोलॉजी। आपका हर ट्रक जो है ना 24 घंटे चलेगा और हर ट्रक फुल चलेगा, और जैसे ही डिलीवरी होगी उसका आपको पेमेंट मिल जाएगा। सो यू हैव टू फोकस ऑन ओनली हाउ टू इंक्रीज योर फ्लीट, हाउ टू अरेस्ट द ड्राइवर, देन आपका जो है ना बेयर। देखो इतना बड़ा काम करोगे तो आपको एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा उसको जमीन पे उतारने के लिए, और वो हमने क्या कहा है कि CFB बिजनेसमैन, बिजनेस डेवलपमेंट वॉलंटियर्स एंड ऑफिसर्स होंगे, राइट। तो उसका नेशनल हेड होगा, नेशनल प्रेसिडेंट होगा, उसका स्टेट प्रेसिडेंट होगा, उसका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होगा, और फिर इवन इट विल गो अप टू द विलेज लेवल, राइट। एंड उनके लिए ब्रोसर से लेकर हर चीज क्रिएट होगी, बैकएंड टेक्नोलॉजी होगी जो एक बटन में जो है ना ज्वाइंट वेंचर क्रिएट कर देगा। आपको सिम लेने में जितनी देर लगती है उसमें तो ज्वाइंट वेंचर क्रिएट हो जाएगा।
अब रही बात कि पब्लिक आप पे क्यों विश्वास करेगी, तो ये 200% सही है कि पब्लिक को विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि वो दूध की जली हुई है। तो आप जो है ना 100 बार प्रयास करेंगे, जब उसे अपना भला समझ में आ जाएगा कि इसमें नौटंकी ड्रामा नहीं है, जो ज्वाइंट वेंचर है इट इज लीगली इन्फोर्सेबल ज्वाइंट वेंचर, और इसके पीछे कोई महान जो है ना व्यक्ति खड़ा हुआ है जो कुछ गड़बड़ नहीं होने देगा, धीरे धीरे विश्वास होगा। चार लोगों को लगा कि अच्छा है, कब आपके पीछे लाइन लग जाएगी कि आपको नहीं जाना पड़ेगा उनके पास, वो आपके पास पहुंचने लगे। लोगों को ये विश्वास होना चाहिए कि उनका लाभ है। लेकिन आप ये बिल्कुल मत मानिए कि आपने चुटकी बजाई और वो आके आपसे कहेंगे आपकी बात मानेंगे क्योंकि आप बिजी रहे, ये सब नहीं चलेगा, ये सब 200% नहीं चलेगा। तो यदि बच्चा जो है यदि जन्म लेता है और जो है आपका इस पर हम इंटीग्रेट करके बच्चे का जो है ना सेल क्रिएट होता है, सेल क्रिएट होता है, उसका भ्रूण क्लियर होता है, तो इट टेक्स 9 मंथ टू बिकम ए फुल फ्लेज बेबी। तो भाई साहब जिसका जो गेस्टेशन पीरियड है उसको आपको अलाउ करना ही होगा, आप अधीर नहीं हो सकते, यू हैव टू बी पेशेंट। जी जी ओ आई एग्री, व्हाई इंपेशेंट, व्हाई आई एम इंपेशेंट कि आपने बोला अभी बोला कि देयर इज अ महान व्यक्ति बिहाइंड द सिस्टम जिसके नहीं नहीं वो तो महान मैंने वैसे ही कह दिया, कोई महान महान नहीं है, मैं भी कोई साधारण व्यक्ति हूँ, कोई महान महान नहीं। नहीं सर आप पे विश्वास, क्योंकि आपने उस सिस्टम के अंदर घुस के सही रहा। मैं तो भग गया था, कोलंबिया में पहले नौकरी मिला, मेरा एक यूनियन लीडर से लफड़ा हुआ, वो मेरे घर को आके तोड़ दिया, मेरे रूम जिसमें रह रहा था, तो मैं शाम को जाके उसको वहीं पर निपटाया। तब तक कोई ऑफिसर मेरा सपोर्ट नहीं किया, नेक्स्ट डे से सब लोग उसके एजेंट पे कंप्लेन दे दो, उसके एजेंट पे कंप्लेन दे दो, मैं बोला हम दोनों आपस में निपट गए, खत्म हो गया मामला, अब जिनको देखना है वो देखे, और मेरे को देख लिया कि मैं नौकरी नहीं करता, सब कमी ऊपर से नीचे, तो मैं भाग गया। आप भागे नहीं, अंदर रह के सुधार देते सर, बहुत बड़ी बात है, मैं जानता हूँ क्या दर्द होता है। अरे मैं तो जो है ना हर फ्रेंड पे लड़ा हूँ, मौत जाने जीवन मौत को दायरे रख के वहाँ पे काश्मीर जैसी जगह पे मैंने टेक्नोलॉजी डेवलप की है और रिजल्ट हासिल किए हैं। रिजल्ट क्यों किए, वही मैं बोल रहा हूँ सर, आपकी इंटेलेक्ट है, आपकी स्ट्रेंथ है, आपने यूजली जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना सर, उनके साथ दिक्कत क्या है कि पढ़ते पढ़ते इतने हो जाते हैं कि पब्लिक को फेस करने की हिम्मत ही नहीं होती, आपने वो भी है। डायमंड में एक चीज कहूँ, मुझे लगता है कि ये नेचर ने मुझे रिफाइन करके इस स्टेज तक पहुंचाया है, इसमें मेरा कोई बड़प्पन नहीं है, एक बात समझ लीजिए। और ये मैं जानते क्यों कह रहा हूँ, नहीं नहीं बिल्कुल बड़प्पन नहीं है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नेचर ने ऐसे हजारों मैथिली शरण गुप्त पैदा किए होंगे जो अपने अपने फील्ड में मैं जो ये कह रहा हूँ आप इसे मानिए, ऐसा ही होगा, मैं आपको 200% कह रहा हूँ, वो अपने आप जुड़ जाएंगे, जैसे ही उनके पास वाइब्रेशन पहुंचेगा यही कॉस्मिक उनको जोड़ देगा। दैट इज द प्रॉब्लम सर, एक ही फील्ड का मास्टर हैव द फेथ टू हैपन इट। देखिए देखो जो भ्रूण है, जैसे मिनट आपका जो भ्रूण है वो अपने आप को मल्टीप्लाई करके आपके आंख नाक सब मुंह दांत बात सब बना के जब आपको एक पूरा फुल बॉडी तैयार कर देता है, कर देता है कि नहीं कर देता है? हाँ, कर देता है। ये किसने पैदा किया, आपने पैदा किया क्या? नहीं आपने पैदा किया क्या? नहीं किया, नेचर ने किया, कॉस्मोस ने किया, जो भी जिसने भी किया वो किया, राइट? तो मैं यही कह रहा हूँ कि यदि मान लो मुझे आप थोड़ी देर के लिए नाक मान रहे हैं तो कहीं ना कहीं आंख भी पैदा हुई होगी, कहीं ना कहीं ब्रेन भी पैदा हुआ होगा, कहीं ना कहीं गला भी पैदा होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा, वो जुड़ जाएंगे तो बॉडी बन जाएगी। देखो यदि आप इंडिविजुअलिस्टिक होंगे तो ये आपकी भूल है। मैं तो ये सोचता हूँ कि मेरे साथ जो कुछ हुआ, मैं हमेशा ये फील करता हूँ कि एक मूवी बनती है उसमें कोई नायक का खलनायक जो है ना बनता है बहुत सारी छोटी छोटी घटनाओं से मिलके, राइट? यदि वो घटनाएं नहीं हो तो वो ना खलनायक होगा ना नायक होगा। तो इसका मतलब है कि जैसे मूवी का डायरेक्टर नायक और खलनायक बनाता है
ऐसे ही भगवान आपको खट्टे मीठे एक्सपीरियंस देके किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए तैयार करता है। हाँ, नेचुरली। तो वो जो जो आपको ईश्वर तैयार कर रहा है वो ईश्वर का बड़प्पन है, उसमें आप बड़े नहीं है। ईश्वर को मालूम है कि आपसे ये काम कराना है एंड वो आपको उस काम के लिए तैयार कर रहा है जी। आप हीरो बन के सेलिब्रिटी क्यों बनना चाहते हैं? आप उस डायरेक्टर को सोचिए जिसने जो ना आपकी स्क्रिप्ट लिखी है, उस फोटोग्राफर को देखिए जिसने उसको लाइव किया हुआ है, उस जो है ना कंप्यूटर बैठे जो है ना टेक्नोक्रेट को देखो जिसने उसमें एनिमेशन और ढेर सारे इफेक्ट डाल दिए और मालूम पड़ा कि आप बड़े हीरो दिख रहे हैं जबकि आप नंबर एक नालायक आदमी है, नंबर एक चुकी है ना आपका चरित्र है, आप ड्रग लेते हैं, आप डिवाउस कैरेक्टर के हैं, आप लिविंग रिलेशन में है, आप कभी सत्य नहीं बोलते हैं, आप जो है ना इंडिया ब्रेकिंग फोर्सेस के हिस्से हैं, आप जी कंपनी के हिस्से हैं, फिर भी आप सेलिब्रिटी हैं। क्यों? क्योंकि उस डायरेक्टर ने वो सबने ऐसा वो किया और कि हम जो हेलुजिनाइजेशन इफेक्ट पैदा हुआ हम उसी में जो है ना आपको सेलिब्रिटी मानने लगे। और आप सेलिब्रिटी क्यों है? आप तो नचाइए है, आप तो जो है जो स्क्रिप्ट लिखी हुई उसके टून पे नाच करेंगे, जो डायलॉग आपसे बुलवाए जाएंगे वो बोलेंगे, जो टेक्नोलॉजिकल इफेक्ट जो है ना टेक्नोक्रेट देगा उसको उसको दिखाई देगा जी। है कि नहीं है जी? सही बात है। तो इस केस में भगवान को आप डायरेक्टर मानिए और अपने आप को नचैया मानिए, अपने आप को पात्र मानिए। हाँ, वो सर ऐसा मीन्स जब यू आर नॉट इमॉर्टल, क्लियर? देखो यदि आपका काम देखो मैं अब आगे की बात करता हूँ। यदि आपको अंतिम जर्नी तक पहुंचने का आपको श्रेय नहीं लिखा, भगवान ने नहीं दिया होगा, तो आप यू विल कंप्लीट योर पार्ट ऑफ जर्नी और somebody else will take up the baton from you। इसके बाद कोलैप्स हो जाएगा? नहीं नहीं, somebody else will emerge and will take over the baton। हेलो। हाँ। Somebody, यदि एक कॉस्मिक डिजाइन है, यदि डायरेक्टर है और उसने कहानी लिखी है तो उसे क्लाइमेक्स तक वो ले जाएगा ना। हाँ। देखिए आपको ऐसा फिल्म ऐसा होता है कि एकदम एब्रप्टली बीच में बंद हो जाए, ऐसा तो नहीं होता है ना। हाँ। तो फिल्म यदि लिखी गई है, डायलॉग लिखे गए हैं, उसका एक क्लाइमेक्स जो है बनाया गया है, तो You are destined to undergo that experience, right? हो सकता है कोई पात्र बीच में मर जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे कहानी और जो है ना फिल्म थोड़ी खत्म हो जाएगी। हो सकता है उस पात्र से आप अटैच फील करें, उससे जो है फिल्म के लेखन, फिल्म का जो है ना डायरेक्शन, उससे थोड़ी फर्क पड़ेगा। देखिए यदि आप नजरिया बदलेंगे तो चीजें बदलेंगे। हाँ, वो तो बात सही है। एनी कॉस्मा के लिए ये बहुत छोटी चीज है इंडियनिज्म, उनके लिए शुमार। मैं ये कह रहा हूँ कि हर छोटी चीज पर ही ईश्वर का उतना ही ध्यान होता है जितना बड़ी। हाँ, बल्कि बड़ी चीज तो कोई होती ही नहीं है, छोटी चीज से ही बड़ी चीज बनती है। तो बूंद बूंद से समुद्र बनता है। He will be, cosmos will be looking at a complete humanity. Very true. Which is composed of atom and which is composed of the God particle also. So, God particle हर atom में है ना, तो God particle is present in the country. मैं ये कह रहा हूँ वो God particle ही तो पूरी चीजें manage कर रहा है ना। हाँ, तो उसमें फेथ रखो ना। फेथ है सर, अल्टीमेटली एवरीथिंग इज रन बाय हिम। अपने हाथ से क्या बात है? फिर डर किस बात का है? फिर आप अपना महिमा मंडन क्यों कर रहे हो? आप तो एक पात्र हो। नहीं सर, महिमा मंडल की बात नहीं है, एक गुड चेंज फॉर अवर कंट्री के लिए अपन प्रयास कर रहे हैं। यदि आप थोड़ी देर के लिए मान लें कि ईश्वर आपसे एक माध्यम बनाया है तो आपके जितने भी कष्ट है वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि फिर उस डायरेक्टर ने जो कहानी लिखी होगी वो उस ढंग से चलेगी। जब आपको मरना लिखा होगा कहानी में तो आप मर जाएंगे, उसके बाद कहानी का जो दूसरा जो भी डायरेक्टर ने लिखा होगा उस तरीके से वो कहानी चलेगी आगे। हाँ,
क्या सोचते हैं? देखो यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आपके जितने भी कष्ट हैं वो अपने आप दूर हो जाएंगे। जुड़ नहीं रहे हैं लोग, मैं बहुत। अरे आप इसको भूल जाओ, आप अपने प्रयास करो, लोग बाग कब जो है ना ये वायरल हो जाएंगी चीजें, यू डोंट नो, इट विल बी रिक्वायरिंग ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड व्हेन इट मे बिकम वायरल। क्यों इसमें एनर्जी खर्च कर रहे हो? केवल केवल सिद्धत के साथ प्रयास करो, इसलिए किसी ने कहा है गीता में कि कर्म करो भाई तुम, बाकी तो चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं वही बोलना चाह रहा था कि सर नेगेटिविटी अपन टोटली छोड़ दें, एनी नेगेटिव किसी के बारे में भी कुछ भी अपने को आगे देखो, देखो, देखो अपन जो है जो भी बात किसी के बारे में नेगेटिव कह रहे हैं वो एक पर्टिकुलर एनर्जी क्रिएट करने के लिए कह रहे हैं, वो उसको कंपेल करने के लिए कर रहे हैं कि प्लीज डू द मिड कोर्स करेक्शन। ये किसी को गाली देना फॉर द सेक ऑफ गाली देना नहीं है, बस इतनी छोटी सी बात मैं कह रहा हूँ। क्योंकि वी डू नॉट नो एनीथिंग एक्चुअली, आई एम 200% इन एग्रीमेंट। आप तो हमारे इसमें ऐसा लगता है कि हम कोई भी बात अनइंटेंडेड अनपर्पज के बिना कह रहे हैं, चाहे वो जीता लगाने की बात कहें या किसी या जो है ना गन्ना पेरने की मशीन की बात करें। हाँ, पर्पज वो तो है, तो अनइंटेंडेड नहीं है, तो इसका मतलब है किसी को गाली देना मकसद नहीं है। यदि हम ये कह रहे हैं कि यदि जनगण मन आपकी दास्ता का प्रतीक है क्योंकि इसे जॉर्ज पंचम का स्तुति गान है, तो ये निगेटिविटी और गाली देना नहीं है। यदि हम जवाहरलाल नेहरू की भर्त्सना कर रहे हैं कि आपने संविधान में कोई चीज हिस्सा बनाया है और इतने जो है ना क्रांतिकारी चीजों को उसमें डाला है और उसमें जो है अमेंडमेंट का उपयोग नहीं किया है, इट इज एब्सोल्युटली फार्सिकल, ये गलत है, ये इस देश के साथ विश्वासघात है। तो ये बात देखिए, जब तक इट इज नॉट नेगेटिविटी, इट इज क्वेश्चन ऑफ ट्राइंग टू एजुकेट पीपल टू नो व्हाट वेयर द फैक्ट, क्योंकि फैक्ट तो आपसे छिपा लिए गए हैं। What were the facts of the problem? See, 1900 में even यार ये बताओ साइमन, हर चीज को हम फिलोसफिकली क्यों लेके जाना चाहते हैं? ये बात यदि यदि हिस्टोरिकली ये सही है कि जॉर्ज पंचम की स्तुति में गान है तो वो आपका राष्ट्रगान होना चाहिए क्या? हाँ नहीं, मैं जवाब दो आप तो मुझे। क्लियर कट होना चाहिए था, नहीं मतलब राष्ट्रगान होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए था, तो बस बात खत्म हो गई। बस अपन यही कह रहे हैं कि भैया राष्ट्रगान हटा दो और दूसरे राष्ट्रगान को ले आओ जो आजादी फौज का है, उसके भी धुन वही है, जनगण बना दी है उसके नाम, और वो उसमें भारत माता की स्तुति है। भैया आप क्वेश्चन में क्यों जाते हैं? आप तो ऑब्जेक्टिव में जाइए और उसके लिए प्रार्थना करिए, उसके लिए प्रयास करिए। आप पूरा पूरा भार अपने ऊपर क्यों लेना चाहते हैं? देखिए, आर यू द डिसीजन मेकर? जो आपकी सामर्थ्य में है उतना करो। तो हमारे सामर्थ्य में क्या है? अपना मत व्यक्त करें और दूसरे लोगों को भी वैसा ही मत, यदि उनको सहमत होते तो उनमें एक सहमति पैदा करने की कोशिश करें। जब वो सहमति पल्पेबल हो जाएगी तो उसको इग्नोर करना किसी के बस में नहीं रहेगा। और हम तो कह रहे हैं कि रोड पर उतरना नहीं है, क्योंकि रोड पर उतरना आपकी कमजोरी है। क्योंकि यदि आप रोड पे उतरेंगे तो आपकी सहन शक्ति को टेस्ट किया जाएगा। यदि आप रोड देखिए, जो बच्चा जो है ना बहुत उठापटक करता है, माता पिता उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन जो बच्चा साए रहता है, माँ बाप उसको समझने की कोशिश करते हैं कि उसके दिल में क्या चल रहा है। ये होता है कि नहीं होता? तो इसका मतलब है कि उठा पटक करना एक अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। अपने आप को इतना ऊपर ले जाओ कि लोग बाग आपके अंदर झांकने की कोशिश करें कि ये भैया ये जो शांत व्यक्ति बैठा हुआ है ये बड़ा विस्फोट करने वाला है, और सिंबॉलिकली तो वो आपको कन्वे कर ही रहा है। वो आपसे कह रहा है कि मैं आपके कार्यक्रम में नहीं आऊंगा, वो आपसे कह रहा है कि हम आपको अपने कार्यक्रम में नहीं बुलाएंगे, वो आपसे कह रहा है कि हम काले जो है ना बैज बांधेंगे, वो आपसे कह रहा है कि हम काले झंडे दिखा देंगे,
वो आपसे कह रहा है कि हम आपको जो है अपने गाँव में नहीं घुसने देंगे. दिस सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन इज इनफ, क्योंकि माँ को भी दूध पिलाने के लिए बच्चे को रोना जरूरी है. नहीं हाँ या नहीं? तो चलो आज वार्तालाप को यही खत्म करते हैं. और मैं जो है रायपुर पहुंच रहा हूँ 24 तारीख को भिलाई में रहूंगा, 25 को रायपुर में रहूंगा. तो यदि उस तरफ आने का विचार बनता है, आपने मित्र मठ जी को जागृत करो, कुछ उन लोगों से गुफ्तगू करेंगे. जी जी सर, ठीक है. 25-26 को रायपुर में रहेंगे ना सर? हाँ हाँ रहेंगे, ठीक है ना. ओके ओके, थैंक यू, नमस्कार.